हाँ जी, मैरी क्रिसमस सबको। क्रिसमस ईव है आज। हम छोटी मोटी जितनी डेकोरेशन कर सकते थे कम टाइम में हमने कर लिया है। पापा जी ने पूरी क्रिसमस की तैयारी कर ली है, मैडम भी हमारी सेट है और आज हमारे घर पे क्रिसमस ईव का डिनर है। हमारे खास दोस्त जो हैं, आप लोग सबको जानते ही हैं, पहुँचने वाले हैं। और अभी मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाता हूँ सारा क्या चल रहा है। देखो जी, थोड़ा ठंड है तो माहौल कोजी रखने के लिए हीटर लगाया हुआ है। Do we have any nice plate that I can use for the appetizer that we order? Well, you have the same utensils; they are good enough to serve. But we usually, you know, do a bit more fancy for Christmas. But if you want to work extra, it's totally up to you, no problem. But it's about the feel and the vibe. Yes, yes, yes. You should do it because now we have someone to do the dishes. Tomorrow we don't have to do them ourselves. Yes, yes. Go ahead. Wait, do you know where they are? Eh? The fancy cutlery? The department is inside. Ask mummy. But mummy is busy. Oh no, we used to have a really expensive one. Oh, papa, I was able to do it. Oh ho, क्या बात है बाबू जी ने तो फर्स्ट क्लास बढ़िया अपना कैंडल चैनल बाल दिया है। We had some really good ones, but we took them to Canada because mummy was like, you never use those premium ones here. Ask her if there is any. I don't think so. यही होता है जब आप एक देश दूसरे देश टप्पे खाते रहो, आधी चीज़ें वहाँ होती हैं, आधी यहाँ होती हैं। अब हमारी शादियों के सीज़न होते हैं तो शादी वाले कपड़े वहाँ पहुँचे होते हैं, यही परेशानी रहती है। कौन है? सत श्री अकाल भाभी जी। अरे वाह, इतने सारे डब्बे। कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा है बस। कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया भैया, तू तो फुल ट्रेंड है। हाँ, कुकी जबरदस्त। बहुत है। वो आगे ऊपर पड़ी है, चुक लो। ये रही कुकीज आपकी। ओहो, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। वाकई बहुत टेस्टी। मैंने कहा फ्रेश बना के और टेस्टी भी है, बहुत अच्छा। ये क्या है? ये प्लम केक। रम वाला क्रिसमस केक आ गया। सुबह से लगी हुई हो पापा। Yes, fresh rum plum cake. Oh. इसकी ड्रेस तो देखो, न्यू ड्रेस पहन के आई है, न्यू ड्रेस। वाह जी वाह। पर दो केक किस लिए? वो एक सरबजीत भैया का है। अच्छा, एक सरबजीत साहब का है। ओके, मिस्टर गुलाटी, वन फॉर मिस्टर गुलाटी, वन फॉर अस। बेड पे पड़ा था तो मैं तकिए के पास सीधा जाके उठा के मेरे हाथ में दिया, इसे पता लग गया कि ये नानी का सीधा फोन उठा के। ऐसे सीधे से दादियों में ही होते हैं ना, माओं के तो कलरफुल होते हैं। मम्मी इसलिए कह रही है इनकी अपनी बहू का बड़ा कलरफुल है, है ना, एकदम फ्लोरल। I'll put it in the microwave for you. Thank you. You can't. Oh, microwave is busy because Turkey is busy right now. It's going to be mine then. No worries. अंदर बन रही जी टर्की, जो कि स्पेशल ट्रेडिशन होता है ये अमेरिकन साइड पे कि क्रिसमस पे टर्की बनाई जाती है। थैंक्सगिविंग पे भी होती है वैसे, और उसको बनने में 5-6 घंटे लगेंगे। स्पेशल बड़ी दूर से लेके आए हैं, तो मनोचास चैनल पे हमने एक वीडियो शेयर करेंगे जिसके अंदर क्रिसमस प्रिपरेशंस की सारी डिटेल होंगी फ्लैशबैक मोड के अंदर। और 5 घंटे उन्होंने बोला है कि ओवन के अंदर वो रहेगी, इसीलिए जब तक वो बन रही है हमने सोचा तब तक बाकी स्नैक्स वगैरह मंगा लें, सब आएंगे तो खाएंगे। मगर एज यू कैन सी सारा लेट लतीफ है, जरा पर जाइजी आए हैं अभी तक। करोगे? हाँ, कर दो। हेलो डैडी, हाउ आर यू? पापा आ गए। अरे शर्ट तो भोपड़ी लग रही है आपको। ये वो कॉम्बिनेशन कर ली मैंने। अच्छा, पढ़ा है कि इसकी टी-शर्ट्स और शर्ट्स बहुत जो ड्रेसिंग सेंस बढ़िया मिस्टर सिंह की। नो डाउट बड़े तरीके से रंग बिरंगे तरीके कपड़े पहन लेते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं। नहीं आपकी कॉम्बिनेशन सेंस फैशन सेंस अच्छी है। हाँ जी सर, रह गया आपका। आई एम बैक। आई तेरी। पापा इज आल्सो लाफिंग। Papa is very happy today. It's Papa's favorite festival. And I'm also wearing the same color, Papa. I tried to match it. Yeah. I didn't have the red one, but yeah, it's a maroon one. Yeah, it's a maroon. Well, it's close to red for. Yeah. I'm blind color, so. Oh, blind color. It's red. भाई साहब इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें बना के भरी है ना, ये अंदर से टर्की। ओवन भी बहुत अच्छा ले रखा है आपने सर, ये बड़ा पुराना है ना, बड़ा पुराना पड़ा हुआ है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है तो ओवन। यस यस यस, आई एम सेइंग दैट द ओवन इज आल्सो वेरी नाइस। We will see once it is out because we have never tried oven capabilities. We always use it for microwave only. No, but Paras has been trying all these oven activities. अच्छा, obviously. पर भाभी जी की कुकीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और केक तो हम आज ट्राई करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था भाभी जी की कुकीज़ के बारे में, तो उसमें हम आईडी मेंशन करना भूल गए थे। अगर आपने ऑर्डर करनी हो तो जो बहुत ज़बरदस्त हैं कुकीज़ तो इनकी, बाकी एंड केक्स एंड एवरीथिंग। क्या है आपका इंस्टाग्राम आई डी? confection.bakery। ठीक है जी, यहाँ लिख देंगे। ओहो, अब क्या कह रहा है? Really nice. और ये सिंपल टर्की नहीं है, भरवा टर्की है। इसके अंदर सुबह से ये लगे होते कोई करी बनाने में, पटेटो बेकन पता नहीं क्या मिक्स करके उसकी सारी स्टफिंग इसके अंदर करी हुई है। मजा आएगा। अरे गुलाटी साहब क्या हाल है? अरे अरे सर, फॉर्मेलिटी में पड़ गए। ये हेलो मेरी क्रिसमस, कैसे हो? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू यू। गुलाटी साहब आपकी शर्ट फटी क्यों हुई है? ये प्रेस लग गई? नहीं ब्रो, इस सब जगह क्या हो गया? गुलाटी साहब आप जैसे ना इंडस्ट्रियलिस्ट पे काम कर करके हमारी शर्टें फट रही हैं। इतने बड़े बिल्डर और शर्ट फट गई यार। गुलाटी साहब दोनों एक दूसरे की जाई छोड़ना मत। लास्ट टाइम आई टोल्ड हिम दैट आई हैव टू इंप्रूव हिज फैशन सेंस। यार ये फैशन सेंस नहीं है यार, फटे कपड़े फैशन सेंस नहीं होती है। देखो जींस फटी हुई समझ देखा था हमने। मैच्योरिटी लेवल विल कम आफ्टर 5 इयर्स। तेरे सामने मैच्योर हो सकता है कोई भाई? ब्रदर बस करो यार, बहुत शुरू हो यार एक दूसरे। आओ जाओ आओ, बैठो गुलाटी साहब, बैठो बैठो। आपके लिए सर आपकी फेवरेट आइटम मंगा दी है, चिली चिकन आ गई है, सब आ गया। थैंक यू। मोमोज वगैरह सब टिक्की पिक्के सब मंगा लिए। दिस इज द curry to go with the turkey. Okay. Okay. Okay, Papa. So how do we eat? Okay. Where do we start? You take the meat. Okay. Whatever, it's the white or the brown meat. I think I'll take some white, then some brown. Yeah, some the brown is a little bit more tender. Mashed potato. And the stuffing. The stuffing right there. Stuffing right here. ये जी सारा वो सामान है जो कि टर्की के अंदर भर के उन्होंने बनाया था। इसके अंदर प्याज, आलू और क्रैनबेरी और पता नहीं गुलाटी साहब और क्या क्या सामान है। मैं बस दूर से रिकॉर्ड कर रहा था, बाकी देखा है। And what next, Papa? Then personally, I would put a little bit of gravy on the potato and the turkey. Okay. ये ग्रेवी सर वो है जिस जो जैसे चिकन बनता है ना, जिस पानी के अंदर या बॉईल करते हैं, right. वैसे जिस बर्तन के अंदर ये रखते हैं उसके अंदर थोड़ी सी और चीजें ऐड करके साथ साथ ये इसके अंदर सेमी बॉईल होती है टर्की, कहने का मतलब है। So this is smelling very good. Yeah, I know. Very tempting also. It is. Yeah. Okay. And enjoy. Oh, you miss the coleslaw. Yeah, the coleslaw. Yeah, of course. मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी छोटी सी प्लेट बना के ट्राई कर लूँ, क्योंकि फिर जब सारे लोग खा रहे होते हैं तो मैं लोगों के मुंह पे कैमरे मारता हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं ही कैमरे वाला काम कर लूँ। क्यों सर? बाकी सब कंफर्टेबली अपना अपना खाएंगे जो है। Yeah, you like it? अब जी हम जब भी पार्टी वगैरह करते हैं, गेट टुगेदर होती है, तो मैं हमेशा कैमरा साथ ले जाता हूँ, सारे हम आपके साथ शेयर भी करते हैं, मगर सबको लगता है कि काम ज़्यादा हो रहा है और सबको ब्रेक की भी ज़रूरत थी, तो इसीलिए क्योंकि क्रिसमस भी है, त्यौहार का टाइम है और ये लोग अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए मैं अब कैमरा जो है ना बहुत ज़्यादा लेके नहीं घुस रहा। आपस में गपशप चिट चैट वगैरह कैमरा सब साइड पर रख के, ताकि अपना फूड भी इंजॉय करें और फैमिली टाइप प्रेजेंस भी ये लोग मिस ना करें वहाँ पर। तो इसीलिए अब आपसे कल मुलाकात होगी। आज के लिए माफ़ी कि हम पूरी चीज़ वो एक्सटेंसिवली शूट नहीं कर रहे और मैं सबके फेस पे बार बार कैमरा नहीं मार रहा है।